मतलब है कि अक्टूबर में बढ़ाएंगे। अच्छा 23 तो जाके 12 महीने रहेगी। कितने होने, कितने होने चाहिए था? अरे होने को तो भाई 500 रुपया होना चाहिए, दे दो ना। तो 300 भी ना है, 300 भी नहीं तो इतना होना चाहिए ना, जिस हिसाब से मार्केट बढ़ रहा है उस हिसाब से फसलों के दाम भी बढ़ रहे। कैसा आज क्या मीटिंग में क्या एजेंडा रहा? मीटिंग में एजेंडा ये रहा कि हरियाणा में एक बड़ी पंचायत होगी 26 जनवरी को जींद में। जींद एक क्रांतिकारी क्षेत्र है, पूरा वो पंजाब को भी जोड़ता है, खाप पंचायत को भी जोड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी जोड़ता है। इसमें सब जगह से लोग आएंगे और अब अपने वहां पर लोग ट्रैक्टर से भी अपना ज्ञापन जो डिमांड चार्ट होगा वो देंगे, अब अपने स्टेट में अब अपने जिलों में, क्योंकि लोग ट्रैक्टर चलाना ना भूल जाए, 26 तारीख सरकार ना भूल जाए, तो ट्रैक्टर मार्च भी होंगे और लोग यहाँ की पंचायत में भी शामिल होंगे। कल का कार्यक्रम है कि मिलों के बाहर, उसके साथ और क्या कार्यक्रम रहेगा सर? जो वहाँ का कार्यक्रम रहेगा, जो एक दिल्ली में कोई कार्यक्रम रखा गया वो मार्च में प्रोग्राम होगा, उसकी डेट डिसाइड कर लेगी एक कमेटी है, वो डेट देख के, क्योंकि होली के बाद में कोई भी डेट 8 तारीख की होली है, 10 तारीख के बाद में 10 और 15, 20 तारीख के आसपास के लिए आंदोलन हमारा चल रहा है। कैसा एक सिंगरों पे गिरे हुई बाबा पे हुई, उसको कैसे देखते हैं ईडी की? गलत चीजें हैं, जो भी आंदोलन में आ रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही, तो इसका मतलब ये है कि सरकार पक्षपात पूर्ण से कार्रवाई कर रही है। जिसने भी आंदोलन के गाने गाए उसी के घर पर छापे डाल ले, उन्हीं को परेशान करने का काम करा जा रहा है। और इसके उसको ये किसान आंदोलन ना करे, उसमें कोरोना की एक बात लाई जा रही है, कोरोना की गाइडलाइन को लेकर कहीं ना कहीं मास्क जारी कर दिया गया, आप कैसे देखते हैं? सरकार के बार बार जो है वो दबाव में ये यात्रा अपनी निकाल रहे राजस्थान में, वहाँ पे कोरोना नहीं है क्या? ये यात्राएं अपनी गुजरात में निकाल रहे हैं अभी, वहाँ पे भी कोरोना है, वहाँ बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं बीजेपी के लोग, तो कोरोना वहाँ पे भी होगा। हमारे पे कोरोना की गाइडलाइंस नहीं होती, हमारा आंदोलन पहले भी चलता रहा, हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन अपने करते रहे। कल करनाल में 2 प्रदर्शन, एक तो आपकी ही यूनियन वाले शुगर मिल का घेराव करेंगे और जाम करेंगे, उसके साथ दूसरे सीएम आवास का घेराव होगा। हाँ तो आवास के घेराव भी होने चाहिए, जीएम का शुगर मिल का घेराव भी होना चाहिए, कुछ ना खड़का तड़का भी ना, क्या भाई दिवाली ठीक मने। ट्रैक्टर मार्च की बात तो कैंसिल होगी, ट्रैक्टर मार्च होंगे 26 जनवरी में। 25 का क्या है कार्यक्रम? 25 का तो जो यहाँ पर लोकल कमेटी ने कर रखा है सीएम हाउस का घेराव है, वो प्रोग्राम है। सर लगातार अगर बात की जाए तो पंजाब में भी धरने चल रहे हैं, तमाम जगह पे धरने चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं MSP या दूसरे ऐसी आपकी बातें क्यों नहीं मानी जा रही? अभी सरकार नहीं मान रही, MSP की बात मान लेंगे तो इनके व्यापारी जो लोग हैं उनको नुकसान होगा, इसलिए सरकार बात नहीं मान रही। आप सड़क पर खड़े होकर देखो, हजारों ट्रक उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं, धान के भरे हुए आएंगे, वो सस्ते में खरीद करते हैं, 800 से 1000 रुपये में खरीद होगी और यहाँ पर आने के और सेलर में महंगा बिकता है। कितने सेलर हैं, कहाँ कहाँ हो जाता है वो सबको पता है। सरकार इसीलिए उन व्यापारियों का बचाव करती है कि हमको और इनको नुकसान ना। देशवासियों के लिए और कोई संदेश देना? देशवासियों के लिए है कि आंदोलन के लिए तैयार हो जाएं, आंदोलन सबको लड़ना पड़ेगा, ये आंदोलन ही देश को बचा सकता है।